फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 35,000 में कितने जीरो होते हैं और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 35,000 में कितने जीरो होते हैं। तो ये जानने से पहले हमें 35,000 को लिखना पड़ेगा और कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, तो बहुत सरल आसान है, बस समझने के लिए थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 35,000 को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं पहले वो समझते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 35,000। और दोस्तों, यहाँ पर 35,000 को 35 को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, 35 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 35। ये हो गया 35,000 को क्या बोला जाता है, 1000। क्या बोला जाता है, 1000, यानी कि 35,000 35,000 को इंग्लिश में ये बोला जाता है। पहला हमारा सवाल का जवाब मिल गया। अब अगला हम आते हैं अपने मेन टॉपिक का, जो कि जीरो के बारे में है कि 35,000 में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 35,000 में कितने जीरो होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 35,000 को लिखना पड़ेगा। ठीक है, 35,000 कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, ये क्वेश्चन, जीरो कितने होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, 1,000 में कितने जीरो थे वो लिखते हैं, तब जाकर हम 35,000 लिख पाएंगे। 1,000, तो चलिए 1,000 पहले लिखते हैं। तो 1,000 को लिखने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे एक, यानी हो गया हमारा इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर होता है हज़ार। इस तरीके से क्रम वाइज लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1,000 हमने लिख लिया है। इसमें जीरो की संख्या कितनी है, 3 जीरो है, ये हो गया हमारा 1,000। अब हमें लिखना है कितना है, 35,000 है। अगर रूल के हिसाब से अगर हम चले, जो 35,000 लिखने का रूल होगा, तो वो क्या होगा, देखिए 35,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 × 1,000 तोड़ कर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी 35 × 1 में करेंगे तो 35 आएगा, 1,000 का 1,000 रह जाएगा। क्या करेंगे, 35 × 1,000 में कितने जीरो होते हैं, 1,000, यानी ये होता है 1,000 बराबर इतना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1,000 लिख देंगे। ठीक है, यानी एक लिख कर 3 जीरो, तब जाके हमारा 1,000 लिखा जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो 35 × जब 1,000 करेंगे कितना हो जाएगा, 35 × 1 = 35, लास्ट में 3 जीरो यहाँ पर लग जाएगा, ये होगा हमारा 35,000। और इसमें जीरो की संख्या कितनी दिख रही है आप लोगों को, 3 ही दिख रही है, यानी कि इसमें जो जीरो होगी 3 ही जीरो होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिखने का तरीका, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप 1 से लेकर 99,000 तक इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 1,000 में कितने जीरो होते वो समझ लिए, 1,000 को इस तरीके से लिखा जाता है। हमें 35,000 लिखना हो तो क्या करेंगे, 35 × 1,000 यानी 35 × 1,000 कर देंगे। अगर यहाँ पर 50,000 लिखना हो तो 50 × 1,000 कर देते। ठीक है, अगर यहाँ पर 15 लिखना होता तो क्या करते, 15 × 1,000 कर देते। बस क्या करना है, आगे वाला संख्या बदलेगी, पीछे वाला 1,000 सेम रहेगा, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये रहा इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी कि 35,000 को इंग्लिश में क्या कहते हैं और 35,000 में कितने जीरो होते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल का जवाब। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।